हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आपके सामने आज हम लोग लेके आए हैं पुराने वर्षों के यूपीएससी मेंस पेपर के डिस्कशन। ये लेक्चर सीरीज़ दोस्तों हम लोग वर्ष 2013 से चला रहे हैं। इसमें हमारा डिस्कशन आज वर्ष 2016 पे जीएस पेपर 2 पे आ चुका है। इस दौरान हमने हर एक वर्ष के तीन पेपर उठा के तीनों के हर एक क्वेश्चन को छोटे भागों में तोड़ के हर एक छोटे भाग की मांग को समझते हुए उसके आंसर तक कैसे पहुंचना है, इस पूरी राह को, इस पूरे रास्ते को पार किया। पहले पेपर से लेके आज तक हर पेपर में हमने एक ही अप्रोच फॉलो की है, जिससे वो अप्रोच आपके दिमाग में छप जाए, आप उसी अप्रोच से हर एक क्वेश्चन को देखें और उसी अप्रोच से हर एक क्वेश्चन का आंसर करें। हमारी जो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से सोच है वो ये है कि आप लोग मेंस में जाएं उससे पहले आपके आंसर्स हम इतने अच्छे करवा दें, आपका कंटेंट इतना अच्छा करवा दें, आपके दिमाग में उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी करवा दें कि वहां पे आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो अगर इस पहले लेक्चर से आज तक के लेक्चर में आपने कोई भी वीडियो मिस किया है या फिर आपने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है, तो ये गुजारिश रहेगी मेरी, प्लीज़ पहले वीडियो से आप सभी वीडियो देखें। हर एक वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ आपको टिप्स दी गई हैं, छोटे छोटे कीवर्ड से कैसे टैकल करना है, कैसे उसके अनुसार अपना आंसर बनाना है, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से बताई हैं। अगर आप हमारा कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो आप कुछ पार्ट ज़रूर मिस कर देंगे, तो प्लीज़ मेरी इस गुजारिश को मानिए, आप सभी वीडियो देखें और फिर हमारे साथ आज इस वीडियो में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। एक और मेरा निवेदन रहेगा आपसे, हर एक वीडियो ख़त्म होने के बाद कोशिश करें जो अप्रोच आपने समझी है पूरे वीडियो में, उससे आप किसी ना किसी तरह आज के किसी टॉपिक पे आंसर लिखें। अगर आपने आंसर लिखा तो आपको खुद समझ आएगा कि आप कैसे कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। उस वाले एरिया में अगर आपको कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। वहाँ पे अपना डाउट पेस्ट करें, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एक वीडियो में आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाए। लेकिन आप पीछे मत हटिए, आपने जो नॉलेज गेन की है उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका फ़ायदा आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। तो ये निवेदन भी मेरा स्वीकार करें और फिर आइए आज शुरू करते हैं अपना वर्ष 2016 का GS2 का डिस्कशन। इस डिस्कशन से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। अगर आपको इस लेक्चर सीरीज़ की PDF की ज़रूरत हो तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड कोर्सेज टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं। भाई यहाँ पे हम आपको अलाउ करते हैं कि आपको अगर किसी टीचर से कोई सीधा संपर्क साधना हो तो आप उससे बात कर पाएँ, अपनी समस्या पूछ पाएँ, उसका समाधान प्राप्त कर पाएँ। उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, आपको किसी भी तरीके का अगर मार्गदर्शन चाहिए हो, भले ही UPSC से रिलेटेड हो, कोई और स्टेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो वो यहाँ पर हम आपको सभी सुविधा देते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट हो, इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो, तो ये दो नंबर आपको दिए गए हैं, इन पे संपर्क करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। फिर मैं आज शुरू करूँगा हर बार की तरह रिवीजन के साथ। ये मेरी अप्रोच रही है, रिवीजन आपको करा देने से फ़ायदा ये होता है कि आपका सारा जो पुरानी चीज़ है वो ब्रशअप हो जाती है, वो ब्रशअप होगी तब हम आगे अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भाई, अगर आपको आंसर राइटिंग में उतरना है तो पहली चीज़ तो है कि आपको गहराई तो मापनी होगी, आपको समझना होगा मुझे क्या लिखना है, कितना लिखना है, जो मैं वो चीज़ तैर के पार कर जाऊंगा, मैं डूबूंगा नहीं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है एक सही अप्रोच। सही अप्रोच आपकी बनेगी क्वेश्चन में सम्मिलित कीवर्ड को पकड़कर। क्वेश्चन में एक ना एक कीवर्ड ज़रूर दिया होगा, उस कीवर्ड को पकड़िए, उस कीवर्ड के अनुसार अपने आंसर को पूरी तरीके से ढालिए। देखिए, ये जो अब आपका आंसर तैयार हो रहा है, ये जो कंटेंट आपके मन में बन के आया है, ज़रूरी है इसको अरेंज करना। किसी एक पार्ट पे आपको विस्तार से बात करनी होगी, किसी दूसरे पार्ट को आपको छोटी सी बात करके वहाँ से निकल जाना है। कोई एक पॉइंट होगा जिसको हमको अच्छे से डिस्कस करना है अपने आंसर में, लेकिन वहीं कोई दूसरा पॉइंट होगा आपने एक एक लाइन लिख दी और चल गया, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर होती हैं। तीसरी बात है, इस सभी को अच्छे से टाइम के रहते अपने कॉपी में उतारना। आपके पास UPSC का पेपर अटेम्प्ट करते समय हर एक सवाल के लिए 7 से 8 मिनट रहेंगे। अब आप इस 7 से 8 मिनट में ये सारा कंटेंट इसमें कैसे डालें, ये भाई इस तरीके से होगा। अगर आपके
क्वेश्चन आपसे कहता है कि मुझे 200 वर्ड में आंसर करो। मैं आपसे कहूँगा उसको 170 से 180 वर्ड में ही आंसर करो। इससे फ़ायदा होगा, यहाँ 20 वर्ड का हमने टाइम बचा लिया। 170 से 180 वर्ड में ही हमने अपना सारा अच्छा अच्छा कंटेंट भर दिया, और ये जो 20 वर्ड का टाइम आपने बचाया है, ये आगे जाके आपको एक से दो सवाल अतिरिक्त करने का मौका दे पाएगा, और इन सवाल में आपके पास अगर भरपूर समय होगा तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखिए, आपका जो कंटेंट है भले ही वो कम वर्ड्स में हो, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट वही सबसे ज़रूरी है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे आंसर की लेंथ से। 200-220 वर्ड्स तक ना जाएं, 180-170 तक अपने आप को सीमित करें। फिर आती है बात आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल जानने के लिए सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन को पकड़ना, क्वेश्चन की मांग को पकड़ना। भाई क्वेश्चन की मांग कैसे पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा कीवर्ड के द्वारा। क्वेश्चन के कीवर्ड्स होते हैं क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, इलैबोरेट, इलूसिडेट, कमेंट, और बहुत तरीके की ऐसे कीवर्ड्स होते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, इसी के आधार पे आपका आंसर बनेगा। समझ लीजिए क्रिटिकली वाले जो क्वेश्चन हैं उसके तरीका बिल्कुल अलग है आंसर करने का, एज कम्पेयर टू डिस्कस वाले सवाल। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपना आंसर तैयार करना है। अब आंसर तैयार करने का स्ट्रक्चर क्या होता है? भाई वो ये होता है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने झलक दे दी, एक टीज़र दिखा दिया कि आने वाले समय में हम क्या बात करने जा रहे हैं। कोशिश करते हैं इसको 18 से 20 वर्ड तक रखने का। फिर उसके बाद उतरते हैं बॉडी में। बॉडी है आपका वर्किंग एरिया, यहाँ पर आपको काम करना है, यहाँ पर आपको अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखानी है, सारा इनोवेशन दिखाना है। जो अपना आंसर है उसको बैकिंग प्रोवाइड करनी है, उसको सबूतों से मजबूत करना है, वो भी यहीं पे करना है। अब ये सबूत जो हैं वो इस प्रकार हैं, फैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स, जजमेंट, सेंसर डेटा, मैप और फ्लो चार्ट्स। होगा क्या, अगर मैंने कोई बात कही और उसको मैंने फैक्ट से जोड़ दिया तो मेरा आंसर मजबूत हो गया, ये सबूत है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भारत में डेवलपमेंट हो रहा है और मैंने एक दो रिपोर्ट्स मेंशन कर दी तो ये बात ऑथेंटिक हो गई, ये बात एकदम पक्की हो गई कि हाँ भारत में डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मैंने जो प्रस्तुत किया है यही है सबूत, और सबूत से केस मजबूत ही होता है, तो ये आप ध्यान रखें। फिर आती है कंक्लूजन की बारी, जो है आपका फिनिशिंग टच। आपने आंसर ख़त्म किया, उसके बाद आपने एक अच्छा सा सुंदर सा बैलेंस्ड कंक्लूजन दे दिया जो कि सकारात्मक हो, और जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई सल्यूशन देने का। अगर आपने किसी समस्या की बात की है तो यहाँ पे आप उसका हल दें। हल देने से होता यह है आपकी सल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दिखती है, एग्जामिनर खुश होता है, आपको मार्क्स देता है। फिर उसके बाद अब सब कुछ आपने देख लिया, अब आंसर लिखें कैसे, वो जो चीज़ आपने समझाई है सर उसको भरे कैसे, तो ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए आंसर लिखने के दो तरीके हैं, एक तो पैराग्राफ में, एक पॉइंट्स में। पैराग्राफ में आपका आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए ये आपने पैराग्राफ लिखे हैं, इसमें आपकी कोशिश रहती है जो पहला शब्द और ये जो आखिरी शब्द है पूरे आंसर में, इसके बीच में एक कनेक्शन बना रहे। कनेक्शन कैसे बना रहेगा, वो बना रहेगा कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके, जैसे कि इसके अतिरिक्त, जैसे कि हालांकि, मोर ओवर, हाउएवर, ऑल्सो, फर्दर। ये आपके साथ जो शब्द आप लेके चलेंगे ये हेल्प करेंगे आंसर को कनेक्शन में बनाए रखने में, एक डेटा फ्लो स्थापित करने में। उसके बाद मैं बात करता हूँ, तो अगर आप पॉइंट्स में लिखने की तरफ जाते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखें पॉइंट्स में लिखने से पहले एक सब हेडिंग ज़रूर दें। सब हेडिंग देने से फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपने क्वेश्चन को एड्रेस किया है। अगर क्वेश्चन आपसे मांग करता है कि भाई किसी भी चीज़ का इवोल्यूशन बताओ और भारत देश पे उसके क्या इम्पैक्ट है ये बताओ, तो फिर आप दो सब हेडिंग बनाएं, इवैल्यूएशन और इम्पैक्ट। उसके अंदर आप क्या यहाँ पे अपना कंटेंट भरें, और इस तरीके से जब एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ेगा, आपका आंसर देखेगा, तो उसे तुरंत ये दो जो है सब हेडिंग दिखाई देंगी, तो वो एटलीस्ट ये समझ जाएगा कि आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं और आपने उसको अच्छे छोटे छोटे भागों में तोड़ के सही आंसर करने की कोशिश की है, तो आपकी अप्रोच सही एस्टैब्लिश हो जाती है। ये मैंने आपका एक क्विक रिविजन कराया, अब आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। देखिए ये सवाल जो है ये है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो हमारे संविधान में 69th संशोधन किया गया है। भाई उसके तहत क्या क्या बातें उभर के सामने आई हैं, उसके एसेंशियल्स लिखें।
अगर उसमें कोई एनामोलीज हैं, अगर उसमें कोई कोई भी विषमताएं हैं तो उस पर चर्चा करें। दोस्तों, ये सवाल आपका आया इसलिए है क्योंकि उसी वर्ष एक इशू चल रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और दिल्ली सरकार के बीच में। भाई, मुद्दा ये था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो बेसिकली सेंटर के अंडर था। दिल्ली एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और वहाँ पे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन क्या है, इस प्रोविज़न के चलते जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट, इनके ज़रिए दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी नज़र रखते हैं। अब भाई, उसके तहत क्या हुआ है, तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेंटर ने अपने कब्ज़े में कर रखे हैं। पीपीएल जो है वो है पुलिस, दूसरा है आपका पब्लिक ऑर्डर और तीसरा है आपका लैंड। तो ये जो तीन मुद्दे हैं इम्पोर्टेंट, ये सेंटर के कब्ज़े में हैं। उसके अलावा सभी मुद्दे, जैसे कि 7th शेड्यूल में हमारे स्टेट लिस्ट है, उसी के तहत सभी मुद्दे ये जो वहाँ पे असेंबली है, इलेक्टेड सरकार है, चुनी हुई सरकार है, वो डील करती है। अब भाई, एनामोलीज ये हैं कि सरकार कहती है अगर आपने हमको चुना है, अगर हम यहाँ पे इलेक्टेड सरकार हैं, तो फिर हमें क्यों हर एक बिल जो है एलजी के पास भेजना पड़ता है और वो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजें। उसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं ये आपने अपने हाथ में क्यों रख रखे हैं, फिर यहाँ पे इलेक्टेड सरकार का क्या फ़ायदा हुआ। तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं इसके तहत बहुत इशू चल रहे थे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये पूरा मुद्दा गया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ उस समय जजमेंट दिए, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 239 AA, इसके तहत जो दिल्ली है वो अभी भी यूनियन टेरिटरी है भाई, वो स्टेट नहीं है। तो फिर इसी वजह से वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एड और एडवाइस होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो बाइंडिंग नहीं है। अगर वो आपसे कहते हैं कि ऐसा करिए तो ज़रूरी नहीं आप उनकी बात माने। उसके बाद आर्टिकल 239 को बोला कि वो ज़्यादा भार रखता है एज़ कम्पेयर टू 239 AA। और एक और बात कही गई कि भाई अगर आपको कोई भी दिल्ली का मुद्दा चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर से कंकरेंस लेना ज़रूरी है। ये सब मुद्दे चले उस समय के, इसीलिए ये क्वेश्चन आया। अब आइए इस क्वेश्चन पे अपन ज़रा निगाह डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये संशोधन किया गया, इसके क्या एसेंशियल हैं, क्या इसमें इम्पोर्टेंट तत्व हैं, क्या इसकी विषमताएं हैं, और इसको आपको जो पूरा मुद्दा है आपको किसके अनुसार डील करना है। एक तो जो इशू हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके आधार पे, और क्या ये जो चीज़ें हुई हैं ये आने वाले समय में भारत की जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई नया मोड़ लाएंगी, इस पे आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन में कीवर्ड है डिस्कस, मतलब आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, आप अपने स्टेटमेंट को मजबूती देंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, जजमेंट्स के थ्रू। यहाँ पे आपके पास दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है तो यहाँ पे पूरा वो मेंशन करें, तो इससे आपके क्वेश्चन को मजबूती मिलेगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन को छोटे भागों में तोड़ते हैं हम। देखिए, बात कर रहा है ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, उसके जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं आपको उस पर बात करनी है, जो विषमताएं हैं, जो एनोमलीज हैं उस पर बात करनी है, और क्या ये एनोमलीज अगर हैं तो इनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट उभर के आता है एलजी वर्सेस दिल्ली की सरकार के बीच में, और क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इससे भारत की आने वाली पॉलिटिक्स में, जो फेडरल पॉलिटिक्स है जिसके तहत पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या उसमें किसी तरीके के नए विचारधारा, नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। अप्रोच इसमें ये रहेगी, सबसे पहले इस एक्ट का जिक्र करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन का पहला भाग एसेंशियल्स ऑफ द एक्ट, इम्पॉर्टेंट तत्व बताएं, उसके बाद एनोमलीज क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, सवाल का दूसरा भाग इस पर बात करें, फिर अपने पक्ष को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पे आपने रूलिंग दी। रूलिंग में आपने दिल्ली हाई कोर्ट की मदद ली, अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आपको मालूम है तो उसकी भी मदद लें। फाइनली आपने क्वेश्चन का तीसरा भाग यहाँ पे आंसर किया, इम्पैक्ट क्या है फ्यूचर पॉलिटिक्स पे। तो देखिए, शुरुआत मैंने की है इंट्रोडक्शन से, मैंने कहा कि 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 239 AA इंसर्ट किया गया और 239 AB इंसर्ट किया गया। इसने क्या किया, इसने दिल्ली को चेंज कर दिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में।
ये तो पहली बात की इसने। उसके बाद क्या हुआ इसमें, इसने बोला कि अब से दिल्ली में एक विधानसभा रहेगी और वहाँ पे इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहेंगे जो कि इस विधानसभा को चलाएंगे। उसके अलावा 7th शेड्यूल का जिक्र हुआ। अब इसमें स्टेट लिस्ट की बात आने लगी कि दिल्ली के पास स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें पूरी पावर होगी लॉ बनाने की, लेकिन 3 सब्जेक्ट सेंटर ने अपने हाथ में रख लिए जो मैंने आपको PPL से याद कराए हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। तो ये आपने इंट्रोड्यूस किया। फिर आप आते हैं एसेंशियल्स पे। देखिए यहाँ पे दिल्ली को स्टेटहुड नहीं दिया गया क्योंकि देखिए 3 सब्जेक्ट अभी भी हटाए हुए हैं, उसको कैपिटल टेरिटरी का अधिकार दिया गया है और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी बनाए रखनी थी उस समय। उसके बाद की अगर बात करें तो भाई अब दिल्ली क्या हो रहा है, एडमिनिस्टर्ड होगा थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपकी यूनियन सरकार है वो इसको एडमिनिस्टर करेगी LG के थ्रू। तो इसी से क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई और भी आपकी मदद कर रहा है तो आप में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ये उस समय सोचा गया। 3 सब्जेक्ट सरकार ने अपने हाथ में रख लिए जो आपकी केंद्र सरकार है उसने, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। तो ये PPL से हमने याद किया। उसके बाद एड और एडवाइस की बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये हो गया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या एड और एडवाइस, मतलब ये सलाह देंगे किसको, LG को, कि आप इस तरीके से काम करिए। लेकिन जो आपके आर्टिकल नंबर 74 में लिखा है ये उससे बहुत अलग है। वहाँ पे क्या है, अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई एडवाइस दी तो प्रेसिडेंट को उस आधार पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, करे तो करे, अपनी मर्जी भी चला सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सवाल के दूसरे भाग पे, टसल और एनोमलीज क्या हैं। देखिए दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में टसल हुए, क्यों हुए उस समय, ये जो इसका एक्ट था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट था इसका, वो दोनों ही लोगों ने अपने अपने नज़रिए से पढ़ा तो उसी अनुसार दोनों ने अपनी अपनी पावर मानी और इसीलिए ये लोग फाइनली गए दिल्ली हाई कोर्ट के पास कि आप सॉल्व करें अब किसकी कितनी पावर है। अल्टीमेटली दूसरी बात ये हुई कि जो सरकार है वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हमारी ऑटोनॉमी कहाँ है, हमारी जो स्वतंत्रता है वो कहाँ है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहाँ है, क्योंकि हर बिल तो हमारा जाएगा LG के पास और वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करेंगे। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, वो आपने हमारे हाथ से छीन लिए, तो आप तो हमारी जो ऑटोनॉमी है उसको दबा रहे हैं। तीसरी बात, यहाँ पे ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट, कोई नोटिफिकेशन जारी करना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना, इन पे भी लगातार टसल बनी रही। तो फिर रूलिंग क्या आई, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दो रूलिंग है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। दूसरी बात, वो आपके किसी भी तरीके के जो डिसीजन है, जो आपकी एडवाइस है, जो आपकी सलाह है, उससे बाउंड नहीं है और वो चाहे तो अपनी मर्जी से भी डिसीजन ले सकता है। अगर आप में किसी भी तरीके का विवाद होता है तो आपको केंद्र सरकार के पास जाना है। उसके बाद की बात करें तो है कि LG का कॉन्करेंस ज़रूरी है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। LG की जो है हाँ करना, उसकी जो राय है वो ज़रूरी है अगर आपको दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की थोड़ी सी जो रूलिंग है उसको मॉडिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो दिल्ली की रूलिंग है वो बाइंडिंग नहीं है, वो टेंटेटिव है, वो कुछ समय के लिए लागू की गई है। और ये बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि भाई अगर सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लोगों ने मिलके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होनी चाहिए, कुछ सब्सटैंशियल पावर्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो मुद्दा था ये टसल में एंड हुआ। अब भाई आने वाले समय में इससे क्या फेडरल पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा, देखिए तो ज़रूरी है कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स का लाना जिससे दिल्ली में और केंद्र सरकार में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़े, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़े, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की स्थापना हो और वहाँ पे अच्छे से आने वाले समय में मुद्दे साथ मिलके डील करे जा सके। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने आंसर किया। अब देखिए अगला सवाल है आर्टिकल 370 के बारे में। ये भारत के संविधान का जो आर्टिकल है इससे आप परिचित हैं, अब तो ये आर्टिकल हट गया है। ये कह रहा है कि कहाँ तक ये आर्टिकल टेम्पररी है, ये प्रोविज़न जो है वो टेम्पररी है, और ये कह रहा है कि इसके आने वाले समय में कुछ प्रोस्पेक्ट्स पे चर्चा करें कि ये भारत की राजनीति में किस तरीके से उभर के आएगा। यहाँ पे डिस्कस है कीवर्ड, डिस्कस में आपको विस्तार में बात करनी है लेकिन अपने मार्ग पे चलते हुए ही, भटकना नहीं है। अगर क्वेश्चन को आप तोड़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन निकल के आता है सबसे पहले आर्टिकल 370 के आसपास, ये आपका जो है मेन बैकग्राउंड है, यही आपका इशू बनेगा।
बाकी चीज़ें इसी से जुड़ी हैं, जैसे कि पहले तो किस हद तक ये टेम्पररी है प्रोविज़न, किस हद तक ये अस्थाई है, तो ये आपको बात करनी है। उसके बाद आपको बात करनी है कि आने वाले समय में भारत की राज्य व्यवस्था में ये किस तरीके से एक संभावना के रूप में उभर के आता है, तो इस पे भी आप चर्चा करें। अप्रोच इसकी रहेगी, देखिए शुरू में बात करें आर्टिकल 370 क्या है, क्या फीचर्स हैं इसके, अभी क्यों टसल चल रहा है, क्यों विवाद चल रहे हैं, और आने वाले समय में भारत की राज्य व्यवस्था में ये किस तरीके से एक संभावना के रूप में उभर के बाहर आता है। तो भाई देखिए आर्टिकल 370 के बारे में अपन जरा सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो लाया क्यों गया ये, हुआ ये कि उस समय जो वहाँ के लोग थे उनके मन में चिंता प्रकट हुई, ऐसा उनको लगा कि भाई हम लोग माइनॉरिटी में हैं, कल को अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी हुई तो हमारा क्या होगा। तो इसीलिए इसी बात का आश्वासन देने के लिए उस समय जवाहरलाल नेहरू ने मेन रोल प्ले किया 370 को लगाने में, लागू करने में। अब 370 है क्या, कहता ये है कि भाई चार सब्जेक्ट्स को छोड़ के, जो कि है डिफेंस, जो कि है फॉरेन अफेयर्स, जो कि है फाइनेंस और कम्युनिकेशन, इन चार मुद्दों पे छोड़ के हर एक मुद्दे पे स्टेट की जो वहाँ की विधानसभा है उसका कॉन्करेंस ज़रूरी है, उसके बाद ही वहाँ कोई लॉ अप्लाई होगा, कोई लॉ वहाँ पास होगा। इसी के तहत एक क्लॉज 3 भी रखा गया जिसमें ये बात सामने आई कि अगर चाहे तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि इस आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दे, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब वहाँ की विधानसभा ने कॉन्करेंस दे दी हो, उन्होंने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की हो। तो ये आपके क्लॉज 3 की बात हुई। फिर लगातार कश्मीर का जो मुद्दा है वो आपको पता है बहुत सेंसिटिव है, उस पर विवाद चलते ही रहते हैं, बातचीत चलती रहती है। उसी बीच में एक डिमांड भी आई थी कि भाई जो हमारा टेम्पररी का स्टेटस है आर्टिकल 370 के तहत, उसको चेंज करके आप स्पेशल का स्टेटस कर दो, जो कि आप आर्टिकल 371 के तहत सभी स्टेट्स को प्रोवाइड करते हैं जो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इस सब चीज़ों के चारों तरफ ये मुद्दा घूम रहा है। अब अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है, देखिए आर्टिकल 370 जो है वो टेम्पररी प्रोविज़न देता है जम्मू कश्मीर को, जिसकी वजह से एक ऑटोनॉमस स्टेटस मिला हुआ है। चार मुद्दों को छोड़ के, जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, उनके अलावा सभी मुद्दों को, सभी लॉ को, सभी नियम कानून कायदों को वहाँ पे अप्लाई होने के लिए वहाँ की जो सभा है, विधानसभा है, उससे परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर वो अलाउ करे तो ही वो आगे जाएंगे। अब इसमें सेलियंट फीचर क्या है, देखिए इसने कुछ अलग नियम कानून कायदे बनाए वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। दूसरी बात, पार्लियामेंट जो है हमारे भारत की, वो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती, वो चाहे तो बाउंड्री चेंज नहीं कर सकती बिना स्टेट की परमिशन के। उसके अलावा भाई जो भी सरकार के लेजिस्लेटिव डिसीजंस होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते जब तक कि वहाँ की विधानसभा उसको ओके ना कर दे। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकती, ओनली एंड ओनली सिर्फ एक ही केस में ये संभव है, अगर वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन से हो, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो वो भी यहाँ पे संभव नहीं है डिक्लेयर करना। तो ये आपके मुद्दे हो गए इसका सेलियंट फीचर। अब ये क्यों लगाया गया, जब हमारी आज़ादी के आसपास की बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में चिंता प्रकट हुई, लोगों ने कहा कि भाई कैसे करके हम लोग देश का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हम लोग हैं माइनॉरिटी में, तो क्यों उस जो केंद्र सरकार है वो हमारे पीछे खड़ी होगी, हमको हेल्प करेगी। तो इसी चिंता के चलते जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में उनको ये गिफ्ट दिया, 370 आर्टिकल आपके सामने पेश किया, और फिर उसके बाद उनको बोला कि भाई अब से जम्मू कश्मीर जो है वो अपने खुद के डिसीजन ले सकता है, ऑटोनॉमस स्टेट है कुछ एरियाज को छोड़ के, बाकी हर चीज़ में जम्मू कश्मीर जब कुछ भी चीज़ लागू होगी तो उसको वहाँ की विधानसभा के थ्रू ही पास होना पड़ेगा। ये आपका आया कि इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया। अब अभी क्या मुद्दा है, देखिए 2015 में जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा कि 370 अब इतने समय से चल रहा है कि इसने एक परमानेंट स्टेटस अक्वायर कर लिया है भारत के संविधान में, तो अभी ज़रूरत है कि हम वो जो टेम्पररी वर्ड इसके आगे जुड़ा हुआ है उसको हटा के परमानेंट वर्ड लगा दें। और जो तीसरा क्लॉज है अगर उसकी बात करूं मैं, तो भाई वो कहता है प्रेसिडेंट चाहे तो इसको हटा सकता है जब वहाँ का जो विधानसभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस रेजोल्यूशन को पास कर दे और प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे।
जो वहाँ का हाई कोर्ट है वो कह रहा है ये अमेंड नहीं किया जा सकता, रिपील नहीं किया जा सकता, एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने परमानेंट स्टेटस अक्वायर कर लिया। वहीं पे जो हमारा संविधान का क्लॉज नंबर 3 है इस आर्टिकल का, वो कहता है कि इसको एब्रोगेट किया जा सकता है। तो आप देखिए, अपने आप ही यहाँ पे टसल हो गया एक। उसके बाद बहुत समय से डिमांड चल रही है कि हमारा जो टेम्प्ररी वर्ड है उसको चेंज करके स्पेशल कर दो, जो तुमने आर्टिकल 371 के तहत दे रखा है। भाई ये सब के चलते अब बताएं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हैं। सबसे पहले तो इसके चारों तरफ राजनीति को ख़त्म करना चाहिए, जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको ख़त्म करें। अगर आपको इसको जारी रखना है या आपको इसको रोकना है, इसको ख़त्म करना है, ये सब आपको अच्छे से डिस्कशन के बाद ही करना चाहिए। और 370 तो मुद्दा है ही, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए वहाँ के लोगों के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, कैसे वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाया जा सके, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, और एकजुट होके एक देश बन के हम कैसे आगे बढ़ सकें। इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि जो भारत में पार्टी का सिस्टम है, जो राजनीतिक प्रणाली है पार्टी की, तो वो एक दौर से गुजर रही है। अब ये कैसा दौर है? ये दौर है कॉन्ट्राडिक्शंस का, ये दौर है पैराडॉक्सिस का। इस बात पे आपको चर्चा कर रही हैं। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन बस एक छोटी सी लाइन आपसे कहता है। लोग इसमें सोच में पड़ गए थे कि आंसर क्या दें, कैसे इसको अटेम्प्ट करें। तो देखिए, इसको अटेम्प्ट ऐसे करना है, अपने मन में आप दो भाग बना लें। कोई भी चीज़ का एक्चुअल इंटेंशन क्या होता है और कैसे वो चीज़ उस पर खरी नहीं उतरती, क्वेश्चन यही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, अगर आप ये देखें कि सरकार जब आपसे वोट मांगने आती है, सरकार का जब इलेक्शन रैली चल रही होती है, तो वो क्या कहती है कि हम काले धन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो हम काले धन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर उसके बाद वहीं पे आप देखते हैं तो इलेक्शन फंडिंग इतनी ज़्यादा ओपेक है, भाई उसी की पारदर्शिता पे सवाल उठते हैं। और सब लोग चाहते हैं कि इलेक्शन की फंडिंग जो हो रही है उसको छुपाया जाए, उसका सोर्स रिवील ना किया जाए। तो देखिए, एक तरफ तो आप ब्लैक मनी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और आप दूसरी ही तरफ कोई पैसा इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन में, उसकी सोर्स को छुपा रहे हैं। तो ये हो गया एक कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर ये हो गया एक पैराडॉक्स। एक और बात करते हैं। देखिए, हमारा देश सेक्युलर है, आप सबको पता है, इसमें हम किसी भी धर्म को जो है प्रायोरिटी नहीं देते, सभी को एक बराबर निगाह से देखते हैं। लेकिन वहीं पे आप देखते हैं जैसे ही इलेक्शन पास आते हैं, अलग अलग लोग उठ के अलग अलग धर्म का प्रचार करने लगते हैं। वो लोग हेट स्पीचेस देते हैं, वो लोग धर्म को बेस बना के ही अपने पूरे इलेक्शन को निकालते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ भारत सेक्युलर है और दूसरी तरफ आप उसको धर्म के नाम पे बांटने की बातें कर रहे हैं। ये दूसरा पैराडॉक्स हुआ, या दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तीसरी बात, देखिए शुरुआत में क्या होता था, जो कोलिशन पार्टीज होती थी, जो संगठन बनते थे, वो एक ही आइडियोलॉजी के बनते थे। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए, अगर आप मैं हम लोग तीन चार पार्टीज़ हैं, हम लोग सब काले धन के खिलाफ हैं, तो हम लोग एक साथ आएंगे। हम लोग लोकपाल के खिलाफ है, तो हम एक साथ आएंगे और हम एक साथ आके उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, कोलिशन बनाएंगे। पर आज जो है सब कुछ चेंज होके अपॉर्चुनिटी पे आ गया है। अगर लोगों को लग रहा है हमारे सरकार में आने की कहीं सी भी ज़रा सी भी स्कोप है, तो वो उस पार्टी के साथ जाके कोलिशन में मिल जाते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, सीटें खरीदे जा रही हैं, एमएलए एमपीज खरीदे जा रहे हैं। तो ये जो है ये फिर से पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेसी है एक, इसमें आपको हमको सही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार दिया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। लेकिन फिर अगर हम लोग बात करें तो देखिए, भारत की राजनीति में परिवारवाद कितने अंदर तक घुसा हुआ है, तो उससे बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, और लोग सत्ता के लालच में अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते रहते हैं। भले ही आप केंद्र में बात कर लें, भले ही आप राज्यों में बात कर लें, लेकिन ये परिवारवाद आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो ये कुछ पैराडॉक्सिस हैं, यही कंट्राडिक्शंस हैं। होना क्या चाहिए था और हो उसका उल्टा रहा है, विपरीत हो रहा है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में बात करनी है। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स देंगे, उतने अच्छे इसमें मार्क्स मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन में कीवर्ड है डिस्कस, क्रिटिसाइज ना करिए, अपने स्टेटमेंट को मजबूती दीजिए एग्जाम्पल्स के थ्रू। क्वेश्चन को हम छोटे भागों में तोड़ें तो सामने निकल के आता है ये पार्ट कि भाई बात कर रहा है ये, भारत में जो राजनीतिक पार्टी की प्रणाली है वो एक फेज ऑफ ट्रांजिशन में है, एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ पे ट्रांजिशन उसको सामना करना पड़ रहा है। अब ये ट्रांजिशन जो है ये कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है, ये पैराडॉक्स से भरा हुआ है, और इस पर आपको चर्चा करनी है।
अब हम करेंगे क्या अप्रोच में, शुरुआत हम करेंगे अभी क्या सिस्टम चल रहा है उससे, फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कैसे पैराडॉक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और ये आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएंगे तो आपके आंसर को मजबूती मिलेगी, फिर उसके बाद आप एक अच्छे कंक्लूजन के साथ एंड करेंगे। तो देखिए, शुरुआत मैंने की है कि जो भारत में पार्टी पॉलिटिक्स है ये सबसे पुराना एक ट्रेडिशन है जो आज तक जीवित है, और इसके जो रूट्स हैं वो हमको कहीं फ्रीडम स्ट्रगल में मिलते हैं। उस समय आपको पार्टी स्ट्रक्चर देखने को मिलता था जो आज भी कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रहा है, हालांकि लेकिन अब आज के समय में कुछ नए ट्रेंड देखने को मिले हैं, जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जहाँ पे पैराडॉक्सेस हैं, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आइडियोलॉजी डाइल्यूट हो चुकी है, क्यों? क्योंकि तो शुरुआत में जैसे था कोलिशन पार्टीज़ या अगर कोई भी पार्टी बनती थी तो सिमिलर आइडियोलॉजिकल लाइंस पे बनती थी, सबका कुछ एक विचारधारा होती थी और वो एक साथ बनती थी, पर आज के समय में अगर आप देखें तो ये चीज़ पलट चुकी है। अपॉर्चुनिटी ही हमारा गोल है, जिसको दिख रहा है कि सत्ता में आने का रास्ता है वहाँ से वो घुस जाएगा, तो ये चीज़ गलत हो गई है, पैराडॉक्स हो गया है, जो सोचा था वैसा नहीं हुआ है। उसके अलावा डेमोक्रेटिक ग्राउंड पे हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, पॉलिटी ऐसी है हमारे देश की अभी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की तो है लेकिन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। अगर कोई आपका अच्छा आदमी पीछे रह गया है तो आप उसको पीछे रखते हैं और अपने परिवार को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके अलावा ब्लैक मनी की हमने बात की कि भाई ब्लैक मनी हटाएंगे हटाएंगे ये सब लोग कहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद यही चीज़ आप बिल्कुल विपरीत कर देते हैं जब आप अपने इलेक्शन की फंडिंग को ही छुपा लेते हैं, आप उसका सोर्स रिवील नहीं करते। अगर भाई आपको भरोसा है कि आपका सही सोर्स से आ रही है इलेक्शन की फंडिंग तो उसको रिवील करें, पर लोग उसको छुपा लेते हैं। उसके बाद देखिए क्रिमिनलाइजेशन का आइडिया, पार्टियां जब आती हैं आपसे इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने तो क्या कहती हैं कि भाई हम लोग देश से किसी भी तरीके के क्राइम को हटा देंगे, देश क्राइम फ्री हो जाएगा। लेकिन भाई आप ये देखिए, अगर देश क्राइम फ्री हो जाएगा तो आप ऐसे लोगों को क्यों टिकट देते हैं जिनके पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स लगे हुए हैं? आप एटलीस्ट ऐसे लोगों को टिकट दीजिए जो एकदम प्योर हो, जिनके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना हो। तो ये अपने आप में आइडिया आप देखिए कितना पैराडॉक्स है, ये तो उल्टा सीधा हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं कोलिशन पॉलिटिक्स की बात करूँ तो एक समय जो कोलिशन पॉलिटिक्स थी वो भारत में इतनी अच्छी थी कि वो लोगों के इंटरेस्ट को आगे लाने के लिए थी। जिन लोगों की एक ही विचारधारा है वो एक साथ मिलके डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाने के लिए कोलिशन बनाते थे, पर आज मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी ही मेन गोल है, सत्ता में किसी भी तरीके से घुसना है चाहे कोई भी जरिया हो। तो ये आपने पांच अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस किए, कंक्लूड आपने ऐसे किया कि भाई जैसे जैसे समय गुजरा है जो भारत का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो ज़्यादा पैराडॉक्सिकल हो गया है, ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है। तो जो छोर मैंने शुरुआत में पकड़ा था उसी छोर को कैरी ऑन करते हुए यहाँ पे मैंने सॉलिडिफाई किया, मजबूती दे दी। और मजबूती क्यों मिली? इस दौरान मैंने जो अपने आंसर में एग्जाम्पल्स दिए उससे मेरे इस पॉइंट को, इस पक्ष को मजबूती मिल गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैग की पावर से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 149 के तहत भारत का संविधान ये पावर देता है कैग को कि आप केंद्र और राज्य सरकारों के अकाउंट्स को ऑडिट कर सकते हैं, उनके अकाउंट को देख सकते हैं। लेकिन आपको अब ये बताना है क्या धीरे धीरे कैग पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को भी देखने लगा है कि अगर सरकार ने इतना 50 रुपये सरकार के पास आए और कहीं से 50 रुपये में से सरकार ने 20 रुपये स्पेंड किए, कैग का काम था बस ये देखना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कैग आजकल ये भी देखने लगा है कि जो 20 रुपये स्पेंड किए हैं ये कहाँ किए हैं, कहीं इससे सरकार ने किसी गलत काम को प्रोत्साहन तो नहीं दिया है, कहीं ये किसी गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं किए गए हैं या फिर किसी अनप्रोडक्टिव एरिया में तो नहीं गए हैं। तो इस पे आपको बात करनी है। और जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है अगर कैग ये देखने लगा है, क्या वो अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है? उसकी जो लिमिट्स हैं, जो सरकार ने, जो संविधान ने उसकी लिमिट्स तय कर रखी हैं, क्या उससे वो बाहर जा रहा है? इस पे आपको चर्चा करनी है। तो देखिए कीवर्ड है डिस्कस। डिस्कस में क्या करना है आपको? विस्तार से बात करनी है, अपने पक्ष को मजबूती देनी है एग्जाम्पल्स के थ्रू, और सटीक रहना है। अब अगर क्वेश्चन को हम लोग तोड़ें तो ये क्वेश्चन टूट के दो भागों में आता है। सबसे पहले बात करता है ये आर्टिकल 149 की। वो कहता है इसके तहत संविधान ने अधिकार दिया है कैग को कि वो अकाउंट्स को देख सके केंद्र के और राज्यों के। उसके बाद ये बात करता है क्या कैग अपनी
जो पावर प्रोवाइडेड है उससे कदम रख रहा है बाहर की तरफ, गवर्नमेंट की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में झांक के, इस बारे में आप बात करें तो आपकी अप्रोच रहेगी शुरुआत में कैग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको बताएं, और फिर आप बात करें 1971 में एक एक्ट आया था, इस आर्टिकल 149 के तहत ये एक एक्ट आया 1971 में, उसके उसमें कैग की जो ड्यूटीज़ हैं उसको बताया गया, कैग के जो रोल हैं उसको बताया गया, कैग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताया गया। फिर आप बॉडी में कैग का रोल बताएंगे, अब आप बताएंगे क्या वो अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जा रहा है। अगर आपके पास इसमें कोई एग्जाम्पल्स या कोई आपके पास जजमेंट हैं तो और अच्छा हो जाएगा ये आपका पॉइंट। उसके अलावा आप ये बताइए कि नहीं, वो अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर नहीं जा रहा, मतलब मैंने दो पक्ष ले लिए, मैंने कहा हाँ ज्यूरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, फिर मैंने बोला नहीं वो अपनी सीमा से बाहर नहीं जा रहा है, इतना उसको करना चाहिए, और एक बैलेंस्ड आप कंक्लूजन दीजिए, क्योंकि आपने दो रास्ते पकड़े हैं तो अब ज़रूरी है मेरे को बैलेंस्ड रखना सब चीज़ों को। देखिए अगर इस पर अपन चर्चा करें तो आपको मालूम है कि आर्टिकल 148 के तहत कैग की स्थापना हुई है, आर्टिकल 149 जो है हमने बात की वो रोल्स और ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, इसी के तहत 1971 में एक एक्ट बना है जो उसकी रोल्स पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, इन सब पे बात करता है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक्ट ये बात करता है कि भाई कैग सब कुछ कर ले, लेकिन जो इंटेंशन है कि खर्चा जो 20 रुपये का हुआ है उसके पीछे जो इंटेंशन है, कैग को कोई भी पावर नहीं दी गई इसमें झांकने की, वो इस 1971 के एक्ट के तहत ही हुआ है। तो फिर क्या कैग ओवरस्टेप कर रहा है? हाँ हमको दिख रहा है भाई एक्ट में इसको पावर नहीं है, ये तो यहाँ पे जा रहा है तो ओवरस्टेप कर रहा है, लेकिन क्या ये एक्चुअल सेंस में ओवरस्टेप कर रहा है? तो नहीं, कैग एक वॉच डॉग की तरह स्थापित हुआ था। B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कैग को कहा है कि वो एक वॉच डॉग है, वो चीज़ों का ध्यान रखने के लिए है कि कोई चीज़ गलत जगह तो यूज़ नहीं हो रही। तो प्रैक्टिकल सेंस में तो भाई नहीं, लेकिन अगर थ्योरेटिकल सेंस माने, अगर स्पिरिट में माने, तो फिर हाँ ये थोड़ा सा ओवरस्टेप कर रहा है। तो इस पर अपन आंसर देखते हैं। देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पावर है कैग की, वो आर्टिकल 149 से डिराइव्ड है। अब कैग का ये लिखा हुआ है कि अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, अपनी जो पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए, उसको करना क्या है, उसको यूनियन के, उसको स्टेट के, इनके अकाउंट्स पे चेक रखना है। और इसके अलावा अगर और कोई भी अथॉरिटी है जो पार्लियामेंट उसको प्रिस्क्राइब करता है या किसी लॉ से बताता है, उसको उसके अकाउंट्स भी देखने हैं। और फिर 149 के तहत ही एक आया 1971 में एक्ट, जिसका नाम था एक पूरा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट। ये कहता है कि भाई हाँ क्या कि ये रोल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये उसकी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि एक्ट ये भी बोलता है कि कैग उसके जो एक्सपेंडिचर है, 20 रुपये जो खर्च हुए हैं, उसके इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर सकता। आइए अब रोल्स देखते हैं ज़रा। इसका काम क्या है? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा आर्थिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाए, वो कैग अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए बताता है। उसके बाद कैग जो है वो पार्लियामेंट का ही एक एजेंट है, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को ही। अब मैं एक्ट की बात करूँगा। एक्ट में ये लिखा है कि कैग की जो अथॉरिटी है उसकी पावर्स लिमिटेड है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो चैलेंज करे इंटेंशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। मेरे 20 रुपये कहाँ खर्च हुए, मैंने क्या सोच रख के उसको वहाँ खर्च करे, ये कैग नहीं देख सकता। और इसीलिए वो कह रहा है कैग जो है अपनी सीमा से बाहर आ रहा है। लेकिन अगर मैं उसके बारे में बात करूं कि कैसे सीमा से बाहर नहीं आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात पकड़ूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोलगेट स्कैम केस में कि जो कैग है वो सिर्फ अकाउंटेंट नहीं है, कैग का जो पूरा मैंडेट है, उसकी जिम्मेदारी है, वो आपके पॉलिसीज़ को एग्जामिन कर सकता है, उनको स्क्रूटिनाइज कर सकता है। कैग ने पहले भी क्या हुआ था, परफॉर्मेंस एग्जामिन की थी मनरेगा स्कीम की। तो इससे कैग का रोल एज अ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी और मजबूत हुआ। कैग ने बहुत सारे स्कैम्स को अनर्थ करने में हेल्प की है, जैसे कि उसने 2G स्कैम को सामने लाया है, कोलगेट स्कैम को सामने लाया है, कॉमनवेल्थ स्कैम को सामने लाया है। तो टाइम एंड नाउ कैग ने करप्शन को मिटाने में बहुत हेल्प की है। उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो अपनी पब्लिक अकाउंट कमिटी के जरिए कैग पे एक नज़र भी रख सकता है, वो उसे कंडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है।
और फाइनली मैं बात करता हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आइडिया की। उन्होंने कहा था कि कैग जो है वो एक वॉच डॉग है। वॉच डॉग का काम सिर्फ अकाउंट देखना नहीं है, आपके खर्चे देखना नहीं है, उस पॉलिसी के पीछे क्या इंटेंट है, 10, 20, 30 रुपए जो आपने खर्च किए हैं उस खर्च करने के पीछे आपकी क्या मंशा है, ये भी देखेगा। तो मैं कंक्लूजन करूँगा बैलेंस्ड, क्योंकि मैंने दोनों तरफ बातें कर ली, इसीलिए द क्वेश्चन ऑफ कैग ओवरस्टेपिंग जो है वो डिबेटेबल है, मैंने कह दिया। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके तहत मैं कह सकता हूँ कि वो कुछ हद तक अपनी सीमाओं से बाहर आ रहा है, लेकिन वो जो सब कर रहा है वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो इसीलिए ये चीज़ डिबेटेबल है। हालांकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कहते हैं कि कैग ने अपनी जो है पावर्स को एक्स्ट्रा यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, अपने ज्यूरिसडिक्शन को ओवरस्टेप किया है, लेकिन जो इसका इंटेंट देखे तो इसने अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ही किया है, तो इसीलिए ये भाई कुछ हद तक ये चीज़ चलती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है वो कि जो आपके प्रियम्बल में रिपब्लिक टर्म जुड़ा हुआ है, जो आपका गणराज्य टर्म जुड़ा हुआ है भाई, उसके साथ जुड़े हुए सभी विशेषण जो हैं उनकी चर्चा कीजिए, जो उसके साथ जुड़े हुए सभी एडजेक्टिव्स हैं उनकी चर्चा कीजिए। तो देखिए इसमें आपको पता है S3DR, ये इसका फॉर्मूला है, सोशलिस्ट सेक्युलर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आपके रिपब्लिक के साथ ये चार चीज़ें जुड़ी हैं, आपको इन चारों पर चर्चा करनी है। और आज के समय में क्या ये सेक्युलर है हमारा देश, क्या सॉवरन है, क्या सोशलिस्ट है, क्या डेमोक्रेटिक है, और अगर है तो कितने हद तक है, तो इस बात पर चर्चा कीजिए। कीवर्ड है डिस्कस, उसमें आपको विस्तार में बात करनी है पर सटीक रहना है। क्वेश्चन को मैं तोड़ता हूँ तो ये बात करता है रिपब्लिक पे, गणराज्य पे, जो आपके प्रियम्बल में लिखा हुआ है। कहता है इसको डिस्कस कीजिए और इसके साथ जुड़े हुए सभी विशेषण पकड़िए, उनको पकड़ पकड़ के एक एक करके डिस्कस कीजिए, उन्हीं के आधार पर बताइए क्या ये विशेषण आज के युग में डिफेंडेबल हैं, और अगर हैं, अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो किस हद तक कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, शुरुआत में हमने भाई क्या प्रैक्टिसेस हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल क्या है, वो कब इनकॉर्पोरेट किया गया, उसमें S3DR क्या है, इस बारे में आप बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसके आगे बात कर सकते हैं उनसे जुड़े विशेषणों की, जो एडजेक्टिव्स हैं उनको एक एक करके लें, S, S, S और D, और R तो आपका है ही रिपब्लिक, गणराज्य, तो इन तीनों को पकड़ें और इन तीनों के बारे में चर्चा करें। फिर उसके बाद एक ऑप्टिमिस्टिक, एक कंक्लूसिव नोट पे इसको एंड करें। तो देखिए मैंने शुरू कैसे किया है, मैंने प्रियम्बल के बारे में बताते हुए शुरू किया है। मैंने कहा है कि प्रियम्बल जो है वो अपने अंदर समेटे हुए है बहुत सारी वैल्यूज़ हमारे संविधान की, वो अपने अंदर समेटे हुए है हमारा इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, और वो अपने अंदर समेटे हुए है कि हमारे स्टेट को, हमारे देश को, हमारी सरकार को क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसको सेक्युलर बनना चाहिए, उसको सॉवरन होना चाहिए, उसको सोशलिस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रियम्बल ये कहता है कि रिपब्लिक, भारत एक रिपब्लिक है, भारत गणराज्य है, इसका मतलब ये है कि हम लोग हेड ऑफ द स्टेट को अपने खुद इलेक्ट करते हैं, कोई हेरिडिटरी नहीं है, कोई मोनार्की नहीं है, इलेक्टेड है, इसी बात को बोलते हैं हम रिपब्लिक या गणराज्य। अब मैं इसके साथ जुड़े हुए विशेषण एक एक करके लेता हूँ। सबसे पहले सॉवरेंटी, सॉवरेंटी मतलब क्या है, आपके देश को, जो आपका देश है उसको पूरा अधिकार है अपने भीतरी डिसीजन लेने के और अपने इंटरनेशनल फैसले भी लेने के, आप पे कोई भी बाहरी देश का इन्फ्लुएंस नहीं है, आप पूरी तरह सॉवरन हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ब्रिटिश की कॉलोनी हैं, ब्रिटिश से पूछ के ही वो अपने डिसीजंस लेते हैं, लेकिन भारत वो नहीं है, भारत सॉवरन है। सोशलिज्म की हम एक भावना लिए हुए हैं अपने अंदर, सोशलिज्म में जो हमारा देश का नेचर है वो ये है कि कैसे आप अपने सोशलिस्ट गोल को अचीव कर पाएँ, और वो भी पीसफुल मीन से, वो भी सबकी सहमति से। और साथ में हम एक और चीज़ में सोशलिज्म देखते हैं, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग के पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में चलाने की क्षमता है, हमारे पब्लिक भी चल रहा है, प्राइवेट भी चल रहा है, तो हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर मैं बात करूँ सेक्युलर, तो हमारा जो देश है वो टॉलरेंट है, वो सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखता है, कोई हमारा स्टेट का रिलीजन नहीं है, कोई हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सब लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, सबको हम बराबर की नज़रों से देखेंगे, और सरकार बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करेगी।
हालांकि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार को आना पड़े और किसी धार्मिक कार्यक्रम को रोकना पड़े, किसी रिलीजन से रिलेटेड किसी और फंक्शन को रोकना पड़े, तो वो कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। फिर बात करता हूँ मैं डेमोक्रेसी की। हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, इसका मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है हमारे पास। उसके अलावा सेल्फ रूल प्रैक्टिस किया जाता है, हम लोग अपने खुद के उम्मीदवार चुनते हैं, उनको आगे भेजते हैं जिससे वो हमारे लिए डिसीजन लें। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, इलेक्शन के फॉर्म में पार्टिसिपेशन है। अगर किसी सरकार ने अच्छा नहीं किया तो 5 साल बाद फिर इलेक्शन आएंगे, फिर हमारे हाथ में होता है पासा, हम लोग चाहें तो चुनें और सरकार को हटाएं, दूसरी सरकार लाएं। तो अल्टीमेटली ये क्या अपॉर्चुनिटी देता है सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने में। आप कंटेस्ट भी कर सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आप ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब आपको डेमोक्रेसी के थ्रू प्रोवाइडेड है। अब क्या ये चीज़ें डिफेंडेबल हैं, आज किस हद तक हैं? तो देखिए, जब से प्रियाम्बल को लागू किया गया उससे लेकर आज तक प्रियाम्बल बहुत चेंजेस के थ्रू पास हुआ। भाई अब इसके तहत क्या क्या बातें हुई, देखिए। सबसे पहले तो एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में। इस रिफॉर्म्स के तहत जो अपना मार्केट है वो थोड़ा सा खुल गया, बाहरी देश अपने पास आए, उन्होंने हमारे मार्केट में अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की, अपना सामान बेचा। तो इससे दो समस्याएं हुई। सबसे पहले तो हमारी सोवरेनिटी पे एक चोट पहुंची। हालांकि बहुत हद तक तो हमको कोई आज भी इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन फिर भी देखिए कुछ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IMF, WTO, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फोर्स करते हैं आपको कि आप इनके अनुसार अपनी पॉलिसी तय करें जिससे इनको फ़ायदा हो पाए। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंश में ये सोवरेनिटी जो हमारे है उसको थोड़ी सी ठेस पहुंची। उसके बाद अगर सोशलिज्म की बात करें तो भाई एलपीजी के आने से, एफडीआई के आने से कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है। अब जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी से डिविएट हो रही है। फिर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं तो भाई हमारे वोटर्स एजुकेटेड हैं ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि उनका क्या अधिकार है। तो आप काफ़ी समय से देखते आए होंगे इलेक्शन में टर्नआउट कितना कम होता है। हालांकि अब तो सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है इस वाले स्फेयर में भी, एजुकेशन अवेयरनेस सब कुछ फैलाने में, लेकिन एक समय था जब वोटर टर्नआउट बहुत कम होता था। क्यों? क्योंकि हमारे वोटर्स अवेयर ही नहीं हैं और उनको एजुकेशन नहीं मिली। बहुत सारे प्रोडक्टिव बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट में रुक जाते थे, उन पे एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, सिटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहे हैं, लेकिन वो पास नहीं हो रहे। तो ये जो पार्लियामेंट जो चलती है वो चलती है टैक्स पेयर के मनी से, हमारे आपके पैसे से, हमने जो टैक्स दिया है। तो अब देखिए अगर पार्लियामेंट में कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, वो बस सिटिंग में बैठ रहे हैं, कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो फिर वो देश के लिए सही नहीं है। प्रोडक्टिव करिए, आप टैक्स पेयर के पैसों पे बैठ रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा आजकल कुछ प्रैक्टिस देखी जा रही हैं जैसे कि बूथ कैप्चरिंग, लोग पैसे के ज़रिए वोट खरीद लेते हैं, इलेक्शन की ऐसी ऐसी टैक्टिक्स लगाते हैं जिसके तहत हमारे देश का डेमोक्रेटिक जो नेचर है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इस स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ करना इन दिए गए तरीकों से कहीं ना कहीं हमारे जो शुरुआत में हमने डेमोक्रेसी की धारणा बनाई थी उससे अलग हट गया है। फिर बात करता हूँ मैं सेक्युलरिज्म की। हम लोग कहते हैं कि भाई सेक्युलर है देश, लेकिन आप जानते हैं कितने आजकल दंगे हो रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, इन दंगों को भड़काती हैं, इनसे अपना खुद का फ़ायदा कैसे निकाला जाए इस पे बात करती हैं। तो ये चीज़ भी कंट्रोल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने इस सवाल के सभी भागों को अच्छे से आंसर किया। आज के लेक्चर में मैं यहीं तक रखूँगा, इसके आगे के सवाल मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। इतनी देर आप मेरे साथ बने रहें इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आंसर्स को बेहतर करते रहिए। थैंक यू।